पिछले वीडियो में 1793 के चार्टर एक्ट तक कवर हो चुका है। तो 1793 के चार्टर एक्ट में क्या था कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात कही गई थी। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात कही गई थी। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। तो इस चार्टर एक्ट में क्या था, फिर से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट में भी पुनः कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह 1793 से लेके 1853 तक में जो आप देखेंगे चार्टर एक्ट आए उनमें से 20-20 साल का डिफरेंस था। पहले 1793 का आया, फिर इसके बाद देखिए 20 का डिफरेंस है 1813, फिर 1813 1833 में कितने का 20 का डिफरेंस है, 1833 से 1853 में भी कितने का डिफरेंस है, 20 साल का डिफरेंस है। तो अब स्टार्ट करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था, देखिए इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के अधिकार को फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और जो ईसाई मिशनरी थे उन्हें भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा मिल गई थी। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ाया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा मिल गई और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मीन्स अभी तक कंपनी क्या करती थी भारत में, उसे कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, तो अब जो ये अधिकार है व्यापार करने का वो सभी ब्रिटिश लोगों के लिए, ये अधिकार सभी ब्रिटिश लोगों को प्रदान कर दिया गया था। अभी तक कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था लेकिन अब ये जो अधिकार है वो सभी ब्रिटिश लोगों को दे दिया गया था, मतलब सभी ब्रिटिश लोगों को व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन अभी भी कंपनी के पास चाइना के साथ व्यापार करने और चाय के व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त था। कंपनी के एक व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म तो किया गया लेकिन अभी भी वो चाइना के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार कंपनी को प्राप्त था। भारतीयों की शिक्षा पे हर साल 1 लाख रुपये, भारतीयों की शिक्षा में हर साल 1 लाख रुपये खर्च करने की बात कही गई थी। कितने रुपये, 1 लाख रुपये हर साल। और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की जो सरकार थी तो वो जो कानून बनाएंगी तो सबसे पहले उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट से अनुमोदन कराना पड़ेगा। मींस जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकार कानून बनाएंगी तो उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट से अनुमोदन कराना अनिवार्य था और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से ही, ब्रिटिश जो सम्राट है उसकी अनुमति, उसकी स्वीकृति से ही जो कंपनी है वो गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की नियुक्ति कर सकती है। मतलब ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद कौन सा एक्ट आता है, 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या होता है, कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। 1793 के एक्ट में भी बढ़ा दिया गया था 20 वर्ष के लिए और 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भी कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया और अब 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें भी कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया जाता है। इसमें क्या था, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसमें क्या किया गया था कि जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। मींस जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी, मद्रास, मुंबई और कोलकाता या बंगाल, तो इनके जो तीनों प्रेसिडेंसियों का जो गवर्नर जनरल था वो कौन बने थे, पहले वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और यहाँ पे जो 1833 का चार्टर एक्ट है यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये कौन थे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और अगर ये बोला जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के द्वारा वो बनाए गए थे,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वो किस एक्ट के द्वारा बनाए गए थे? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो इस तरह देश की शासन प्रणाली का सेंट्रलाइजेशन हुआ, इस तरह देश की शासन प्रणाली का क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन हुआ। अब गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल है अब पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था, लेकिन उसे क्या था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इस कानून को अस्वीकृत कस्टम कानून बना सकता था। जो कानून गवर्नर जनरल ने बनाया है तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उस कानून को अस्वीकृत करके स्वयं कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल द्वारा पारित कानून था वो अधिनियम कहा जाता था। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को क्या कहा जाता था? अधिनियम कहा जाता था। ये जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था इसके पहले जो कानून बनाए जाते थे उसे विनियम कहा जाता था। 1833 के चार्टर एक्ट के पहले बनाए गए कानूनों को विनियम कहा जाता था, लेकिन 1833 में जो कानून बनाया गया वहाँ से इसे क्या कहा गया? अधिनियम कहा गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून जो है उसे अधिनियम कहा जाता था। इसमें क्या था, मुंबई और मद्रास की, बम्बई और मद्रास की जो काउंसिल की जो कानून बनाने की शक्ति थी उसे वापस ले लिया गया था। मुंबई और मद्रास की जो काउंसिल की कानून बनाने की शक्ति थी उसे क्या किया था? वापस ले लिया गया था। और कानूनी परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। कानूनी परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। तथा इसमें क्या था, देखिए पहले जो कितने सदस्य होते थे, चार सदस्य थे, लेकिन जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, तो उसमें जो ये चार सदस्य थे काउंसिल, उसमें उनकी संख्या कितनी कर दी गई थी? तीन कर दी गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या चार से कम करके तीन कर दी गई थी। किस एक्ट में कर दी गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। लेकिन इसमें क्या किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में फिर से पहले तीन सदस्य हैं लेकिन चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था। लेकिन इसमें क्या था कि केवल ये इस काउंसिल की बैठक में भाग ले सकता है, जो परिषद है उसकी बैठक में भाग लेने का अधिकार था। किसे? जो ये विधि सदस्य था परिषद का, जो चौथा सदस्य था, वो सिर्फ परिषद की बैठक में भाग ले सकता था, उसमें मतदान नहीं कर सकता था। तो विधिक परामर्श या कानूनी सलाह के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य शामिल किया गया था। उसे केवल परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान देने का अधिकार नहीं था। हाँ, ये देखिए, ये जो सब मैंने अभी बताया है वही सब है। अब हाँ, आगे और क्या है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी को अभी जो चाइना के साथ व्यापार करने और चाय के व्यापार का एकाधिकार दिया गया था उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य से ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया। और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण भी किया गया, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण भी किया गया। इस कार्य के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। क्या किया गया? भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इसके लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। तो जो ये विधि आयोग का जो गठन किया गया था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले ने की थी। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आया इसके द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और 1843 में लॉर्ड एलिन बेरो के समय इस पर रोक लगा दी गई थी। पहले ये एक्ट आया उसमें इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया 1833 में। फिर 1843 में जब बाद में लॉर्ड एलिन बेरो गवर्नर जनरल बनते हैं तो उस समय इस पर रोक लगा दी गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट के ही द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट
तैयार करने का अधिकार दिया गया, किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। अब इसके बाद कौन सा आता है एक्ट? 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा क्या किया गया, जो विधायी कार्य थे, जो कानूनी कार्य थे, उनको प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया और कानून बनाने के लिए एक अलग 12 सदस्यीय ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। इस एक्ट के द्वारा कानूनी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया और कानून बनाने के लिए एक अलग 12 सदस्यीय, मतलब 12 सदस्य जिसमें होते थे, वो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। तो 1853 का जब चार्टर एक्ट आया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। और इससे पहले जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था तो उसमें कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1813 का जब चार्टर एक्ट आया था तो उस समय कौन थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। अब देखिए क्या होता है, जब 12 सदस्यीय जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, तो अब जो ये सत्ता विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि थे उनको इसका सदस्य बना के सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधि सिद्धांत लागू किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाया गया और सबसे पहले सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। देखिए फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। इस एक्ट के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया और कानून बनाने के लिए एक अलग 12 सदस्यीय ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाया गया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अभी जो था विधि सदस्य, जो 1833 का चार्टर एक्ट था तो उसमें क्या था कि जो विधिक सदस्य था वो चौथे सदस्य के रूप में शामिल तो किया गया था, लेकिन उसे परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जो ये एक्ट आया, कौन सा? 1853 का चार्टर एक्ट, तो उसके द्वारा जो विधि सदस्य, जो कानूनी सदस्य था, उसे गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पे जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी उनको स्टार्ट किया गया, उसे आधार बनाया गया। तो किस एक्ट के द्वारा? अब क्वेश्चन क्या बना, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो कौन सा था? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इस चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसे किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। अब जितना टॉपिक पढ़ा है, ये तीनों चार्टर है, उससे डिपेंड जो जो भी क्वेश्चन बने हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या बना है। तो देखिए, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो कौन सा था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिकी एवं जो कानूनी कार्य थे उन्हें अलग कर दिया गया था? अभी आया था ना कि वो विधायी कार्यों, प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो वो कौन सा एक्ट था? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। भारतीय जो काउंसिल थी, कौन सी? ऑल इंडिया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया था? तो कौन सा चार्टर एक्ट आया था? 1853 का चार्टर एक्ट आया था। जो विधि सदस्य था उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था, तो वो किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और विधि परामर्श के लिए, मतलब कानूनी परामर्श हेतु, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था, लेकिन अभी उसमें क्या था? सिर्फ परिषद ने
जो बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान देने का अधिकार नहीं था, ये किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो ये 1833 के एक्ट के द्वारा किया गया था। और विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। कर्मचारी की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का जो आधार बनाया गया था वो किस अधिनियम, किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन होते? 1853 के चार्टर एक्ट के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी होते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1833 के चार्टर एक्ट के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 1833 के चार्टर एक्ट के पहले जो कानून बनाया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? विनियम कहा जाता था। और 1833 से जो कानून बनाए गए गवर्नर जनरल के द्वारा, गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें अधिनियम कहा गया। अंग्रेज़ों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत में आने जाने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी? अंग्रेज़ों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के भारत में आने जाने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी? तो किस एक्ट के द्वारा की गई थी? 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत, जिसमें सभी ब्रिटिश लोगों को व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान था? तो वो आ ही चुका था अभी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? मतलब व्यापारिक अधिकार को जो पूर्णता समाप्त कर दिया गया था तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? वो कौन सा था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसमें क्या किया गया था? जो 1813 में चाइना के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार अभी कंपनी को था वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा उसे भी समाप्त कर दिया गया था। मुख्य सेनापति को गवर्नर